परासिया में हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कोलांचल की खस्ताहाल सड़कें दुरुस्त नहीं हो पा रही है। रोजाना सैकड़ों डंप पर कोयले का परिवहन करते हैं, जिससे सड़क पर धूल मिट्टी का गुबार उठता है। ऐसे में वाहन चालकों समेत राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारी हो रही है, लेकिन खदान के अधिकारियों का ध्यान सिर्फ कोयला खनन करने पर है। जानकारी के मुताबिक पानी के छिड़काव पर प्रबंधन लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन अधिकारी पानी छिड़काव में भ्रष्टाचार कर राशि का गबन कर लेते हैं। कहना चाहता हूं कि यहां की सबसे बड़ी समस्या है ये, पहले तो ये सड़क है और दूसरा इस सड़क के खराब सड़क से होने वाला जो वायु प्रदूषण है, जिससे आम जनता, आम नागरिक और बस्टैंड के सभी रहवासियों को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। और ये देखिए, आज तक हमने ये जो परिवहन चल रहे हैं, इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैनेजर ने दिखावे के लिए 8-10 दिन टैंकर से पानी दिया, उसके बाद में बंद कर दिया। जी हाँ, तो मैंने भी शिकायत की है इस बात की कि भाई ब्लास्ट हो रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। जी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस जगह। समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है कि जैसे होटल में अभी मैं खुद होटल संचालक हूँ, समोसे बड़े वगैरह जो भी है इसमें पूरा डस्ट आ रहा है। मैं खुद आस्था को खुद दिक्कत हो रही है। अरे देखिए, एक कॉलोनी में जो बसे हुए हैं, जो कॉलोनी का आजू बाजू जो रह रहे हैं, इनका प्रदूषण से मतलब बहुत तकलीफ है। सबसे ज्यादा सांस और इनकी खांसी और दमक की शिकायत ज्यादा है, और इससे जो है बहुत ज्यादा तकलीफ है। ना ही यहाँ पर स्प्रे होता है, ना ही कुछ होता है। यहाँ आए दिन टेस्ट की मार है कि सब जनता परेशान है, पूरा अस्थमा के शिकार है, ओल्ड एज क्षेत्र से परेशान है। और यहाँ पानी टैंकर डलने का है, पर ये कि टैंकर डलता है और आज की कंडीशन में महीनों से डला नहीं पानी, पूरी जनता परेशान हो रही, पूरा कोल्ड डस्ट खा रही। जहाँ भी दुकानों में जाकर देखो, पूरी डस्ट की भरमार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ,